फरवरी को मतदान होगा। राज्य में हो रहे चुनाव के पांचवें चरण में 61 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं। रविवार को राज्य के 12 जिलों में मतदान होना है और इनमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल है। तो इन जगह पर कल मतदान होना है। अवध में अगर देखा जाए तो बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और प्रतापगढ़ आता है। पूर्वांचल की बात करें कौशाम्बी, प्रयागराज आता है। बुंदेलखंड की बात करें तो उसमें चित्रकूट आता है। तो इन जगह पे कल मतदान होना है, यानी कि अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड की सीटों पर कल मतदान होना है। तो वहीं रायबरेली की भी एक विधानसभा पे मतदान होना है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है और इनमें से एक सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में है और इस बार डिप्टी सीएम के सामने सपा कैंडिडेट है जिनके लिए अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव प्रचार में उतरी सपा की तरफ से। तो वहीं अगर बात करी जाए बीजेपी की तरफ से तो बीजेपी की तरफ से प्रचार करने के लिए यादव परिवार की एक और बहू भी मैदान में उतरी। तो दिलचस्प होता जा रहा है पांचवें चरण का चुनाव और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डीआर साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, जिस तरह से ये पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान है, 693 सीटों पर मतदान होना है जिसमें से 90 महिला उम्मीदवार है और इस बार महिलाओं का मुद्दा भी अच्छा खासा देखा जा रहा है। तो क्या लगता है साहू जी, इस बार जो 90 महिला है ये परचम लहरा पाएंगी? साहू जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का आना और महिलाएं की भागीदारी जो है वो एक स्वागत योग्य है क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश जैसी राज्य में महिलाओं की अभी भी यदि भागीदारी और साझेदारी में बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग पीछे हैं। उत्तर प्रदेश भले ही धीरे धीरे प्रयास हो रहा है, हर राज्य हर सरकार भी इसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की जो एक घोषणा है उससे काफी उत्सुकता और उत्साह भी दिख रहा है। लेकिन ये जो 90 कैंडिडेट जीतती है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में जो आज की तारीख में सिंबल से है, महिलाओं को देखते हुए महिलाओं को वोट मिलेगा ये तो हम अभी भी विश्वास नहीं करते हैं या अभी भी उसकी उसकी लक्ष्य जो है वो नहीं तय कर पाएंगे हम लोग, बल्कि एक सिंबल या राजनीतिक दलों की चुनाव वो उनकी जो विचार है उनकी राजनीतिक दलों के आधार पे ही चुनाव इस बार खड़े हो रहे हैं। पंचम फिफ्थ जो फेज है उसमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो जाति और यहाँ पे तो ओबीसी और ओबीसी के जो कंसोलिडेशन है उसको फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अयोध्या को केंद्र में रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं राम मंदिर को निर्माण के रूप में पर रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे विभिन्न जो कमंडल और मंडल की जो राजनीति जो एक 90 दशक में हम लोगों ने देखा था 92 के बाद, तो वो मंडल और कमंडल में दोनों में भी प्रभाव अपना अपना है और लेकिन मंडल जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिख रहा है और उसके आधार पे जो 12 जिले हैं इन 12 जिलों में जो सीटें यदि 2017 और 2019 को देखेंगे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की काफी वर्चस्व रहा और उनकी उनकी पूरी सीटों में एक बेहतर लगभग 47 सीट उनका और 3 सीट अपना दल का मिला था। लेकिन उसमें यदि देखा जाए समाजवादी पार्टी को 5 मिले और बहुजन समाज को 3 मिले थे और कांग्रेस को 2 मिला। तो इन सभी चीजों को देखा जाए कि अयोध्या एक भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र बिंदु है जिसकी मैं तो सोच रहा था कि यदि योगी जी को लड़ाया जाता तो हो सकता है थोड़ा सा बेहतर और होता और एक संदेश भी जाता, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़े उससे काफी प्रभाव पड़ा। इसी तरह से अयोध्या को यदि पॉलिटिकल एक सेंटर स्टेज के रूप में देखा जाता तो हालांकि वो नहीं किया, योगी जी को गोरखपुर जाना पड़ा, लेकिन राम मंदिर और राम मंदिर के निर्माण एक उनका एक सफलता के रूप में है जो उनका ये कहना है। यदि भारतीय जनता पार्टी की यदि घोषणा देखेंगे, विभिन्न बड़े बड़े नेताओं की घोषणा देखेंगे तो उसमें
कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा ये संभव हो पाया, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता है। और वहाँ कार्यकर्ताओं की ऊपर गोली भी चली थी, तो ये एक तरह से इनका एक दावे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए रायबरेली में जो एक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करे, और उनका जो पहले से भी उनका एक दबदबा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, उस पॉलिटिकल क्लाइमेट को यदि देखें कि इस बार 2022 में 2017 और 19 से अलग होगा। जी बिल्कुल जनार्दन जी, जी बिल्कुल साहू जी लौटेंगे आपके पास। जनार्दन जी, इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट की बात करें, अयोध्या प्रयागराज की बात करें जहां कल मतदान होना है, तो इन अहम सीटों को देखते हुए, पांचवें चरण को देखते हुए क्या समीकरण दिख रहे हैं, एसपी और बीजेपी की जीत हार के क्या रिकॉर्ड होने वाले हैं? देखिए, जो अभी स्थिति बन रही है वो एक चीज स्पष्ट है कि दो पक्षों में दो तरफ से चुनाव बढ़ चुका है। एक तरफ भाजपा है और एक भाजपा के जो विरुद्ध पार्टियां हैं, सभी लोग एकत्रित होकर एक संगठित होकर लड़ाई कर रहे हैं। और जो माहौल है अभी काफी चर्चाएं हो रही हैं, तीन फेज चार फेज के बाद में जो चीजें निकल के आ रही हैं कि सभी दावा कर रहे हैं कि 300 से अधिक सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जो जो जनता है उसका रुख अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो भी दावेदारी है वो अपने क्षेत्र को लेकर और अपने कैंपेनिंग को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर की जा रही है, लेकिन जैसे जो पश्चिम में कहा गया भाजपा के विरुद्ध पूरी तरीके से चीजें जा रही, लेकिन ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल ऐसी भी नहीं है। तो वही स्थिति अभी इधर भी बन रही है। देखिए, कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बड़ा एक वो रखा है, जो 40% उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया है, तो उस चीज का भी एक असर देखने को मिला है। उन्होंने महिलाओं को वरीयता दी है, और इस वाले फेज में जो आपको सामने देखने को मिलेगा कि कैसे, और सबसे बड़ी चीज यही है कि जो भी कैंडिडेट है उसमें जो वोटर है वो अपने पार्टी को और वहां के मुद्दों को देखकर ही वोट दे रहा है। उनको पुरुष या महिला, जैसे कई ऐसे राजनीतिक घर हैं जहां पर महिलाओं के होने की वजह से उनके घर की महिलाओं को टिकट दिया गया है, तो वो घर को ही वोट जा रहा है। तो अभी देखना है, दिलचस्प होगा इसमें। एकदम क्लियर कट कोई नहीं कह सकता कि सपा की तरफ ही लाभ होगा या भाजपा ही इसमें कुछ लेकर आएगी। जी साहू जी, सिराथू सीट पर यादव बहुए भी प्रचार के लिए उतरी, जो कि अभी तक दिख नहीं रही थी, और बीजेपी की तरफ से कई बड़े चेहरों को उतारा गया, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपर्णा यादव और वही सपा के लिए जो पल्लवी पटेल हैं उनके समर्थन में डिंपल यादव उतरी, जो कि अभी तक डिंपल यादव प्रचार के लिए नहीं उतरी थी, तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव में एक तो माहौल के लिए एक पर्व की तरह देखा जाता है, और उसमें जो इस तरह की जो नेताओं की परिवार के लोग, या खास करके जो मुलायम सिंह यादव जी की परिवार के एक बहू भी वहां जा रही है, एक भाजपा की, ये बड़ा एक रोचक बना देता है। लेकिन कहां तक यदि मतदान को प्रभावित करने वाली बात है तो वो तो हमको नहीं लगता है, लेकिन बहुत जो सूचनाएं मिल रही है, जो पटेल मैडम है वो पहली बार लड़ रही है, लेकिन और अच्छा खासा लड़ रही है, और इसमें बड़ी जबरदस्त चुनौती जो हमारी केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उनको दे रही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी जनार्दन जी, पांचवें चरण के चुनाव में अमेठी, रायबरेली की एक सीट, सुल्तानपुर, चित्रकूट जो कि प्रयागराज, अयोध्या, धर्म नगरिया मतलब ज्यादा है जो कि धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, और बीजेपी का एजेंडा भी कहीं इसी इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, तो बीजेपी के लिए कितना आसान रहेगा पांचवा चरण और आने वाले चरण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीन चरण बहुत ज्यादा कठिन थे और आने वाले चरण आसान है, तो क्या ऐसा सच में मुमकिन है बीजेपी के लिए आने वाले चरण और ये पांचवा चरण आसान है? जैसे जैसे आपने देखा कि तीन चरण हो गए, जो प्रचार की गति थी और जो बयानों में तीखापन था वो बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा अपने जो उनके स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ जी और भी जो भी लोग हैं, वो अपने बयानों में स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी जो नीति है वो क्या है, वो हिंदुत्ववादी जो उनकी नीतियां हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं और उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो अभी इस फेज में जो जहां पर चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक उससे ताल्लुक रखती है, वहां पर लोगों का ज्यादा झुकाव है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक जो फैक्टर बन के आ रहा है इलेक्शंस में, आपने लखीमपुर में भी देखा कि वोटिंग तेजी से हुई, सबसे ज्यादा वहां अभी तक हुई वोटिंग, तो उसका कारण भी आ रहा है कि कहीं जो भाजपा से नाराज लोग हैं, रुष्ट हैं, वो भी एक फैक्टर बन के सामने आ रहा है।
जी साहू जी, 2012 की अगर बात करें तो उसमें 67% सीटें एसपी को मिली थी और विधानसभा चुनाव में 61 में एसपी ने 41 सीटों पे जीत दर्ज की थी। सुल्तानपुर की 7, प्रतापगढ़ की 4, इलाहाबाद की 8, बाराबंकी की 6, गोंडा की 6। तो इन जो समीकरण 2012 के थे, उसके बाद अगर 17 की बात करी जाए, योगी मोदी लहर आ गई, तो अब क्या लग रहा है, क्या सपा अपना वही पुराना वर्चस्व ला पाएगी इस बार? नहीं, इसमें तो हम अभी भी थोड़ा सा हमारा मतलब सहमति नहीं है जी। क्योंकि आपने सही कहा, जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी तो फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भारत बहुजन समाज पार्टी इस बार अच्छा भी कर सकते हैं, इनको आप नजरअंदाज मत करिए। क्योंकि कभी कभी हमको तो लगता है कि पांचवें चरण में उनकी भी एक अच्छा खासा साइजेबल वोट बैंक है और वो मेरे को तो लगता है कहीं किंग मेकर के रूप में ना आ जाए। ये इस चरण में बात कर रहा हूँ, फिफ्थ फेज की बात कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी जरूर 2017 और 19 के बाद, 2017 के बाद 2022 में अच्छा करेंगे और उनका लक्ष्य तक पहुँचने की संभावनाएं बनती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी कुछ वोट परसेंटेज भी थोड़ी सी बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं त्रिकोणी ट्रायंगुलर सीटें हैं जो कि वो हालांकि सब्सिक्वेंटली यदि देखा जाए चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस में बहुजन समाज पार्टी का यदि बढ़त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की संभावना है। तो ये एक एक है, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे 2017 की परफॉर्मेंस के साथ साथ, और बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दे हैं, खास करके जो जानवर छोटा जानवर की बात है वो एक मुद्दा, और बहुत सारे महंगाई जो बेरोजगारी बातें हैं और सब बातें हैं वो तो है ही, लेकिन बड़ा जबरदस्त है। और जैसे कि आपने हमारे वक्ता ने बताया कि तीखा, जैसे कि बुलडोजर की बात हो रही है, उस तरह की बात हो रही है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी अपने को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। जी जनार्दन मिश्रा जी, निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजा भैया का वर्चस्व भी हमेशा देखने को मिला है, निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो उनको देखते हुए क्या लगता है, उनका प्रदर्शन और उनके कामों को देखते हुए क्या जनता उनकी तरफ भी झुकाव करेगी? देखिए, उस क्षेत्र पर तो राजा भैया का एक प्रभाव जरूर रहा है और जहां तक अन्य जगहों की बात करी जाए, जिनको जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने टिकट के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन पार्टियों ने वहां पर उनको करियता नहीं दी, दूसरे लोगों को दिया। भाजपा में कई जगह ऐसा हुआ, सपा में भी हुआ, वो उन लोगों ने भी निर्दलीय तरफ से अपना पर्चा भरा है। तो ऐसे लोग अगर विनिंग पोजिशन में नहीं है तो गेम बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जो है, जो जिनको जो रुष्ट है, जिनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, कैलकुलेशन बिगाड़ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आप राजा भैया की बात करें तो वो जो क्षेत्र है वहां पर उनका और उनके परिवार का एक प्रभाव रहा है। हालांकि इस बार कोशिश की जा रही है उसको ओवरकम करने की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वहां उस क्षेत्र में वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। जी साहू जी, अगर पिछले चुनावों की बात करी जाए तो 5 साल में एसपी ने 67% से घटकर 8 पे आ गई है। 2017 के चुनाव में 41 सीटों पर रहने वाली एसपी 5 सीट पर आ गई, तो पिछले चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला और इस बार कई छोटे ऐसे दल हैं जिन्होंने गठबंधन किया है भाजपा से और सपा से, तो उनके जो इस बार के समीकरण देखने को मिल रहे गठबंधन में, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए, अवध और पूर्वांचल की बात करें, अवध और कुछ पूर्वांचल क्षेत्र पंचम स्टेज में है, पंचम चरण में, और इसमें 2014 से लेकर 17 और 19 दिनों की यदि आप बात करेंगे, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने इस चरण इस क्षेत्र के लोग दिए और वो एक एक तरह से एक जो कह सकते हैं कि एक एक कंसोलिडेशन था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लहर था जिसको हम लहर कहते हैं। इस बार जो लहर है वो है नहीं, और उसके बाद जो 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 मुख्य सोशल इंजीनियरिंग है उसमें जो कास्ट के आधारित जाति आधारित दल है वो यदि आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2017 में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साथ रहते हुए दोनों जाति आधारित दल कह सकते हैं, क्षेत्रीय दल के रूप में, भले ही वो राष्ट्रीय दल है सभी कहते हैं,
लेकिन एक तरह से जाति के आधार पे, और उसके बावजूद भी आप देखिए 2017 में क्या हुआ। लेकिन 2022 की बातें अलग है, बिल्कुल अलग है, उसका स्क्रिप्ट पूरा अलग है। और उसमें आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कहानी है, जिसमें आज पंचम चरण में यदि देखेंगे अवध क्षेत्र में जो छुट्टा जानवर है वो बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, आम जनता को, जो कि 19 में ये बात उठी थी, कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन इसका असर भी नहीं था क्योंकि उस समय वो प्रभाव, उसका करिश्मा, नेतृत्व, ये सब बात थी 14 की, 17 की और 19 की, वो एक बेहतर था। लेकिन जब अब आकांक्षाएं, जब आकांक्षाओं की राजनीति में यदि सफल नहीं होके जब आम आदमी को पता चलता है कि इसमें कुछ हुआ नहीं, और कानून की आधार पे कला का जो वापस की गई, उसके बाद फिर महंगाई, बेरोजगारी, फिर उसके बाद आपके देखेंगे कि जो कोविड खास करके कोरोना के प्रभाव, इस वजह से क्या है कि सरकार जो सत्ता में है वो काफी घेरा गया, मतलब एक तरह से बीजेपी इज इन ट्रबल, ये कह सकते कि इस वजह से क्या हुआ कि एक मेजर इशू बन गया छुट्टा जानवर, जो कि सारे विपक्षी दल जैसे कि खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको घेर रहे हैं। और आपने देखा होगा बहराइच में माननीय मोदी जी ने भी ये कहा कि भाई हम एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, माननीय योगी जी ने भी कहा कि मैं 900 रुपया देने की बात कर रहा हूँ जो भी है। लेकिन एसपी के जो मुखिया है वो भी अखिलेश जी कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे हम 5 लाख तक कंपनसेशन देंगे। तो इस आधार पे ये जो अखिलेश जी का एक इस तरह की जो प्रक्रिया है, इसमें आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जातियों को, हालांकि बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और समाजवादी पार्टी ने भी किया है, जो एक अलायंस छोटे छोटे जाति आधारित दलों पे किया है, ये ओबीसी को कंसोलिडेट करने में काफी मदद करेंगे। और इसमें हम यदि देखेंगे मायावती पहले स्टेज में तो थोड़ा एक्टिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मायावती जी भी कहीं ना कहीं एक स्पॉयलर के रूप में कुछ कुछ सीटों में परेशान करने की बात करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से कुछ सीटों में ये परेशान हो सकता है और एक तरह से ट्रायंगुलर फाइट होगा। अब आप ये ध्यान रखिए, मायावती जी, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मायावती जी ने इन चरणों में लगभग मुस्लिम कैंडिडेट्स को बहुत सारे लोगों को वोट दिया, मतलब टिकट दिया है जी। तो इसमें ये कहा जाता है कि उनका 88 मुस्लिम कैंडिडेट इस बार है, 88 और 88, तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अब पता चलेगा इसका मतलब उसकी जो रिजल्ट है 10 मार्च को कि पंचम, लेकिन मेरा ये मानना है कि पंचम चरण और 6th और 7th जो है अवध से लेके पूर्वांचल में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले की जो सफलताएं हैं वो तो मुश्किल है, लेकिन अपने को बचाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग, उनके पास एक अवसर भी है, तो ये बात कहा जा सकता है, जैसे ब्राह्मण है, बहुत सारे ऐसी है, बहुत सारी जाति के आधार पे देखेंगे तो उनको मैनेज किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी का, उनके संसाधन और उनकी सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है, तो उस आधार पे उनका जो है वो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त उनका वो भी रहेगा कि चेक देने में, चेक मतलब इस तरह की जो घेर रहे हैं, तो उसको चेक देने में उनके पास भी एक समर्थ है और एक समर्थन भी है जी। जनार्दन मिश्रा जी, जिस तरह से कल सीएम योगी का अयोध्या से बयान आया था, उन्होंने बूचड़ खाने की बात भी करी थी कि उन पे लगाम लगा दी गई है, छुट्टा जानवरों पे रोक लगाई जाएगी, गौशालाएं बनाई जाएंगी, किसानों के हित के लिए काम किया जाएगा, तो ये बूचड़ खाना और गौशाला अभी तक कहीं किसी प्रचार में नहीं दिख रहा था जितनी भी जनसभाएं हुई, लेकिन अयोध्या जाके जो 5वें चरण का चुनाव है, धर्म नगरियों से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे जाकर ही ये बयान सामने आता है। जो मुख्य मुद्दे हैं इस वक्त 5वें चरण के चुनाव के, वो चाहे छुट्टा जानवर के हो या फिर किसानों के हो, तो ये अभी सबसे ज्यादा क्यों उठ कर आए? देखिए, चुनाव शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो एक लकीर खींच दी थी, उसी चीज पर अभी भी भाजपा अपने पूरे प्रचार को केंद्रित किए हुए। उन्होंने बोला था कि 80-20 का चुनाव है, फिर उन्होंने वेस्ट यूपी में, जो पश्चिम यूपी में चुनाव में ये हुआ कि अब तो 80% वो रह गए, हम 90 और 10 का चुनाव हो गया। तो अभी भी जो उनके हार्डकोर वोटर हैं, जो चीजें उन्होंने, जो चीजों को लेकर वो सत्ता में आए थे, उसी चीज को अपने मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा भी कि धर्म नगरियों का ये चुनाव है, वहां पर आस्था से जुड़े हुए लोग काफी हैं, वहां पर राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वहां पर जो गौशालाओं का जो निर्माण की बात करी जा रही है, वहां पर जो
गायों को रखने के लिए कुछ पैसे देने की भी बात करी जा रही है, तो इन सब चीजों का काफी असर पड़ेगा। और यही कारण है कि अब जो चुनाव की बयानबाजी है, अभी जैसे आपने कल अखिलेश यादव जी भी जब अयोध्या गए तो उन्होंने भी कई संतों के साथ अपनी अपने फोटो लगाई और उन्होंने वहां पर भी चीजों को दिखाया। तो अब जैसे जैसे जिस क्षेत्र में चुनाव जाएगा तो उसके स्पेसिफिक मुद्दों को उठाकर उस पर बात करी जा रही है जिससे उसका अधिकतम लाभ दिया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जनता क्या इस बार फिर से भरोसा करेगी, क्योंकि पिछले चुनावों में भी गायों का मुद्दा सबसे प्रमुखता से देखा गया था, गौशालाएं बनाने का दावे वादे किए गए थे, जो भी गौशाला बनाए जाएंगे या फिर जो है जो भी गौवंशों को पालेंगे उनको पैसे देने की बात कही गई थी, लेकिन गौवंशों का हाल अभी भी वैसा ही है, तो क्या इस बार भरोसा करेगी जनता? देखिए, इस बार भी ये जो चुनाव जो है, जो पुराने मुद्दे थे उस मुद्दों में कुछ चीजों पर सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन जैसे आपने कहा ये छोटे मुद्दे नहीं है जिसमें जो एकदम बदलाव ला सके। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या बन के उभरा है वो जो बेसहारा पशु है, जो बार बार कहे जा रहे हैं कि वो कई क्षेत्रों में मुसीबत का कारण बन रहे हैं, तो वो दिक्कतें सामने आ रही हैं। और लेकिन जो दावा कर रहे हैं, अखिलेश जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि हम इस चीज पे काबू ला पाएंगे, और भाजपा ने भी कहा, भाजपा ने जो पिछली बार भी आपने जैसा बोला उसी चीज को लेकर सत्ता में आए थे और अब की भी उसको सुधार करने की बात कर रहे हैं, तो जनता कितना भरोसा करती है तो 10 मार्च को ही इस पर पता चलेगा। जी, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो मुद्दे कहीं ना कहीं अपराध और गौवंशों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, धर्म के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो विकास के मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं? क्या वो सिर्फ सपा के पास से दिख रहे हैं? कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन बीजेपी क्यों इनसे दूर भागती हुई नजर आ रही है? अपने सिर्फ कामों को गिना रही है लेकिन आगामी कामों के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, भाजपा का जो सबसे केंद्र बिंदु है अपने पूरे प्रचार का और पूरे जो उन्होंने नया प्रोजेक्ट किया अपने गवर्नमेंट का, वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर ही लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपराधियों को खत्म किया है, बड़े अपराधियों को जेल में पहुंचाया है, एनकाउंटर किए गए और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, और उसी के माध्यम से जो आप कह रहे हैं विकास के रास्ते खुलेंगे, तो भाजपा का तो ये एक मतलब एकदम केंद्र बिंदु है उस चीज का, तो उसका कितना लाभ मिलेगा और जनता उससे कितना संतुष्ट होती है वो अभी चीजें निकल के सामने आ रही है। जी साहू जी, अगर वोटर्स की बात करी जाए तो इस बार पांचवें चरण में हिंदू वोटर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन 26 सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? और ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं बिखरे हुए, जैसे कि आपने भी कहा कि बीएसपी के पास भी अच्छे खासे वोट जाएंगे और सपा भी अगर देखा जाए तो उनके पास भी मुस्लिम वोट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा, और जो ये वोटों का बिखराव है इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए तो दो तरह की बात कर सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि ओबीसी साहब को भी आए थे और उनका भी कुछ प्रभाव पड़ने की कोशिश किया था, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की तरफ वोट जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाने की बात उसे एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है, लेकिन होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। इवन कांग्रेस की तरफ से भी वोट जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो डिवीजन होगा अधीन में, तो ये भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो जो खबर मिल रही है क्रॉस रूट लेवल पे या धरातल से या विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि इस बार शायद समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जा रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो सीटों में तब्दीली, सीटों में जो एक तरह से सीट ट्रांसलेट हो जाए, सीट निकले, ये बारी बात में, तो फिर ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जो है होगा। यदि नहीं हुआ तो फिर नुकसान होगा, ये कहने की मतलब, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल में आएगा। जी जनार्दन जी, अगर डिप्टी सीएम की सीट से देखे अयोध्या तक, तो यहाँ पे भूमिका में, निर्णायक भूमिका में पासी वोटर भी है, तो इनको किस तरह से देख रहे हैं, इनका कितना असर पड़ने वाला है पांचवें चरण के चुनाव में? मैं एक बार फिर से जरा अपने प्रश्न को दोहरा दूं। जी, अगर सिराथू सीट से अयोध्या तक देखा जाए तो निर्णायक भूमिका में पासी वोटर भी है, तो इनकी कितनी भूमिका रहेगी पांचवें चरण में? देखिए, भाजपा ने जो एक एक जो स्थिति शुरू की है उसका सबसे बड़ा यही सिद्ध वो है कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर आने की बात करते हैं,
और उनका जो मुद्दे हैं वो पूरे, जैसे जो आप राम मंदिर का ले लीजिए या जो गौ माता का ले लीजिए, उसमें जो जितने मुद्दे बनाते हैं वो एक बड़े सेक्टर को टारगेट करते हुए रखे, तो वो इस चीज में अपने आप को, और उन्होंने जैसे पिछली बार भी आपने देखा कि बसपा की काफी सीटें जो थी वो एकदम से वॉश आउट हुई और भाजपा को प्रत्याशी रूप में बढ़ावा मिला था। तो ये भाजपा ने हर एक चक्कर में अपनी एक सेंध लगाई है, उसका लाभ उनको पिछला मिला था। और ये सोशल इंजीनियरिंग की बात इस बार अखिलेश यादव ने की है, उन्होंने राजभर को अपने साथ जोड़ा, उन्होंने निषाद को जोड़ा और कई छोटे छोटे दलों को जोड़ा है, तो इसमें उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन भाजपा भी इन 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 चक्कर पे नजर बनाए हुए जी। बाराबंकी चित्रकूट में भी अनुसूचित जाति के वोटर की संख्या 26% से ज्यादा है, बाराबंकी में पासी ज्यादा है और चित्रकूट में जाटव के बाद दूसरे नंबर पे हैं। वहीं अगर देखा जाए इनका समीकरण, तो क्या इसमें छोटे छोटे दलों के साथ जो बीजेपी ने गठबंधन किया है, इन दलों की वजह से क्या बीजेपी को भी फायदा होगा अनुसूचित जाति का? जनार्दन जी, जी निश्चित रूप से ये बीजेपी का एक मतलब पिछली बार भी आपने देखा था, एक अच्छा उनको वो मिला था, इसमें यहाँ पे सपोर्ट मिला था और बीजेपी फिर से इसमें संभावना तलाश रही है। और जैसा आप कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी का जो एक टारगेट वोटर है उसने, और जो उन्होंने प्रोजेक्शन अपने आप को किया उसमें, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हैं और उसमें काफी हद तक आपने देखा पिछले चुनाव में उनको सफलता भी मिली थी। हालांकि इस बार जो समीकरण है काफी बदले हुए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जो एक स्थिति बताई जा रही है कि पूरी तरीके से लोग खिलाफत में है, ऐसा ग्राउंड रियलिटी नहीं है। काफी चीजें हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में या एक रिलीजन में पूरी तरीके से वोट उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। जी साहू जी, पांचवें चरण में बाहुबली विधायक राजा भैया की भी अग्नि परीक्षा है और 29 साल के बाद जो प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट है वहां से एसपी भी दम भर रही है, ऐसे में बीजेपी कहां है और क्या राजा भैया को टक्कर देना एसपी और बीजेपी दोनों के लिए आसान होगा? देखिए, राजा भैया की जो एक उनका प्रभाव है वो एक सीमित दायरे पे है और वो एक तरह से उनकी परंपरागत एक वर्चस्व रहा है। लेकिन जहां तक ये जो राजा भैया है वो तो बदलाव हर समय बदलते रहते हैं, तो इसलिए उनको कभी मुलायम सिंह के साथ देखा गया, कभी फलाने साथ देखा गया, कभी बीजेपी के साथ में देखा गया, तो ये कहने की मतलब इसमें लोग इतना सीरियसली ले नहीं रहे कि इनको एक हो सकता है अपने क्षेत्र में सीमित होकर अपना कार्य कर रहे हों, लेकिन वो जो एक प्रभाव है वो प्रभाव उत्तर प्रदेश की पंचम चरण की फिफ्थ स्टेज का जो पांचवें फेज का जो चरण है इसमें उनका बस सीमित दायरे है, उसमें वो अपना जीत सकते हैं या उनको टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि हमने इस तरह की शब्द इस्तेमाल करते हुए अखिलेश जी को देखा कि कुंडी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो सब साथ समझ में आ रहा है कि एक तरह से एक 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 जबरदस्त उनके साथ लड़ने की भी तैयारी समाजवादी की पार्टी की तरफ से हो रहा है। ये एक एक, एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक है जी। जिस तरह से इस बार जाट मुस्लिम सिख से होते हुए चुनाव अब कुर्मी वोटर पर भी टिका हुआ है, उत्तर प्रदेश में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़ी आबादी कुर्मी वोटर की है, अपना दल के दोनों धड़े सबसे ज्यादा इसी समुदाय की राजनीति करते हैं साहू जी, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, अपना दल में भी थोड़ा सा आपने देखा होगा डिविजन हो गया, उनकी जो परिवार जो है उनके साथ चले गए, हमारी अखिलेश जी के साथ और बह बेटी उनके भारतीय जनता पार्टी में है, तो लोगों की इसमें जो है थोड़ी सी मतभेद तो होगा प्लस डिवीजन ऑफ वोट्स होगा। और इसमें आपने देखा होगा कुर्मी की वोट्स में भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कुर्मी वोट्स एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जो कि इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि यादव और कुर्मी की जो एक गठबंधन हो सकता है और जिसमें पहले के जमाने में बनी प्रसाद वर्मा थे तो इसलिए समाजवादी पार्टी को काफी प्रभाव हो रहा था, तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुर्मी के जो सपोर्टर्स है वो इस बार सत्ता में आने के लिए हो सकता है कि वो रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पास भी एक समर्थन है और उनके पास भी एक वोट बैंक है और इस तरह से ये बिल्कुल एक जाति आधारित वोट का निर्णय लेना किसी भी दल में ये नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्र में अपने अपने स्तर पे जो अपनी एसोसिएशन और लॉयलिटी अनुगत्यता है
वो केवल एक जाति एक राजनीतिक दल पे नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पे भी उन जातियों की स्तर जाति की जो बिरादरी की अस्मिताएं हैं वो भी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ लोग कांग्रेस में भी है, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के साथ भी है। तो ये एक, एक, इसकी एक सामान्यीकरण करना बड़ा मुश्किल है। जी, जिस तरह से हमने पूरी चर्चा की और इसमें एक निष्कर्ष ये निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई ये राजनीति नजर आ रही है, पांचवें चरण का जो चुनाव है वो भी इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं बीजेपी के द्वारा और बाकी दलों के द्वारा, तो इनको देखते हुए क्या लगता है इनका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या हमेशा जाति धर्म और जो चेहरे हैं उनको देखकर ही हमेशा यूपी का चुनाव होगा या फिर विकास के मुद्दों पे कभी हो पाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये सवाल हम जैसे नागरिकों को समझना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि है उनकी व्यक्तित्व, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी काम करने के शैली और तरीके, उनकी मूल्यांकन, उनका आकलन करके ये हो, लेकिन कहाँ हो रहा है? वही नहीं तो 1990 से लेके अभी तक 30 साल हो गए हम लोग, तो उसमें ही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंडल और कमंडल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक अलग अलग तरीके से बात हो रही है, कहीं धर्म आ जाता है, कहीं जाति आता है। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि विकास की बात को तो सामने रखते हैं, वो लिप सर्विस की तरह होता है विकास, जैसे कि आपने देखा होगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये सब बातें हैं, लेकिन विकास की बात को यदि हम देखें तो विकास में ऐसा नहीं है कि हर सरकार कोई भी आते कुछ ना कुछ तो करते ही है, विकास की प्रक्रियाएं तो होती है, लेकिन जो वादे करते हैं जो जो मैनिफेस्टो में जो बात करते हैं उसके आधार पे यदि एक नागरिक सही तरीके से इसकी आकलन करे और एक एक वोट मतदाता इसके आधार पे करे, तो इस बार जो है 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। और खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर इनका एक एक प्लस पॉइंट है, ये बात मान सकते हैं तो, लेकिन उसको भी लोग आरोप करते हैं जो विपक्ष के, वो कहते हैं कि सिलेक्टिव तरीके से उनकी जो माफिया राज को खत्म करने की बात करते हैं, ये भी एक आरोप है। तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो है संगठन, संगठनात्मक ढांचा, उनके साथ जो और एक स्ट्रेंथ है संसाधनों की, और उसके बाद उनकी जो एक एक पूरा बूथ कमेटी से लेके पन्ना प्रचारक से लेके पन्ना कमेटी से लेके सारे जो एक स्ट्रक्चर है ढांचा है वो बहुत मजबूत है और वो भी है, लेकिन इसको चुनौती देने की मुद्दे जो है वो बहुत सारे विपक्ष में है, चाहे कांग्रेस के पास हो चाहे समाजवादी पार्टी के पास हो, इवन आम आदमी पार्टी को देखें, हालांकि आम आदमी पार्टी इस बार क्या परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन हम जरूर जानते हैं कि इनकी एक वोट परसेंटेज बढ़ेंगे और इनका प्रेजेंस धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी को ये इन लोगों का प्रेजेंस, इन राजनीतिक दलों का यदि प्रेजेंस बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को और फायदा भी मिल सकता है। तो इन सभी समीकरण को तभी देखा जाएगा मतदान की व्यवहार किस तरफ जा रहा है, कि क्या ये मुद्दों पे है या फिर वही 1990 से लेके अभी तक जो चल रहा है धर्म मंडल कमंडल, उसी से बिरादरी, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता, दंगा, ये सारी चीजों पे घूरेगा। तो ये हम आज की तारीख में तो बता नहीं सकते हैं, 10 मार्च को पता चलेगा। जी साहू जी, मेरा एक आखिरी और सबसे अहम सवाल है जो कि मतदाताओं का समझना भी काफी जरूरी है। मतदाता हमेशा या तो पार्टी देख के मतदान करता है या फिर अपनी जाति के कैंडिडेट को देख के मतदान करता है, और जब वो चुन लिए जाते कैंडिडेट तो क्या उनके द्वारा सिर्फ अपनी जाति धर्म विशेष के लोगों का विकास कर पाना संभव है? क्योंकि ये सब चीजें देख के मतदाता मतदान तो कर देते हैं लेकिन फिर 5 साल उनको जो संघर्ष करना पड़ता है, विकास नहीं होता है, तो ये जो परेशानियां देखने को मिलती है मतदाता जागरूक होने के बाद भी इन्हीं सब चीजों को देख के जो मतदान करता है, तो क्या ऐसा संभव है कि अगर मतदाता अपने जाति धर्म विशेष को देख के मतदान कर रहा है तो क्या उसका विकास हो सकता है? देखिए, मतदाताओं के सामने और हमारी जो भारतीय राजनीति की संस्कृति है उसमें दो बातें आती है, डिमांड और सप्लाई। ये जो राजनीतिक दल जो आज की तारीख में ये सारे वादे करते हैं, किस लिए वादे करते हैं? कहीं ना कहीं जनता की डिमांड को और लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं, और डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो डिमांड है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। जहां तक बात ये हो रही है कि जो मतदाताओं की इस तरह से आकलन तो हो ही नहीं रहा, नहीं तो कभी आपने देखा होगा कोई भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसी मैंने देखा आम आदमी पार्टी की जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हमने लखनऊ में भी देखा, बहुत अच्छे प्रोफाइल है, बहुत अच्छे तरीके से अपने को आ रहे हैं, लेकिन उनको कौन वोट दे रहा है? उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो कहने की मतलब ये कि ये तो हम ही लोगों को तय करना है,
और यहाँ पे जो बात अभी भी है, दो बात है, एक आकांक्षाओं की राजनीति है, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और जो अस्मिताओं की राजनीति है। ये दोनों से यदि हम देखेंगे कि हर राजनीतिक दल इन्हीं सभी बातों पे, ये जाति धर्म बिरादरी और तमाम तरह की वादे जी, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसी तरह से अपने युवाओं को देखिए, युवाओं को 2012 में अखिलेश जी ने उनको अपने साथ लिया और एक एक नई साथ बात की 2012 से 17 में, 17 में आपने देखा होगा 2017 से 2022 में पूरे भारत के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की करिश्माई नेतृत्व और उनकी सफलता को देखते हुए 17, 19 और 22 में दिया गया जी। तो ये 2014, 17 और 19 में, लेकिन 22 आते आते 2021 की जो चुनाव देखा होगा आपने वेस्ट बंगाल में और इधर बहुत सारे शहरों बहुत सारे राज्यों में और 5 राज्य जो हो रहा है, अब धीरे धीरे एक एक असंतोष की जो एक एक सापेक्षिक वंचना की एक डिप्राइवेशन की बातें उठ के आ रहे हैं। और इसको मेरे को तो लगता है कि जो विपक्ष जिस तरह से उनको बेहतर तरीके से उनको घेरना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। फिर भी इस बार जो है एक चुनाव 22 की चुनाव जो है बेहतरीन चुनाव है और उसमें हमको लगता है कि ये एक जो राजनीति है उस राजनीति में अभी भी वही पुराने ढांचे पे हम लोग चल रहे हैं, वही बातें हैं और अल्टीमेटली वही कारगर भी होता है। अब देखने लायक है कि आकलन करने की बात होगी 10 मार्च में मतदान व्यवहार की क्या रुख है जी। बिल्कुल, परिणाम ही बताएंगे कि जनता ने क्या कुछ देख के मतदान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ डीआर साहू जी राजनीतिक विश्लेषक और जनार्दन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। दोनों से हमने चर्चा करी 5वें चरण के मतदान को लेके। तो आज की वीकेंड चर्चा 5वें चरण को लेकर रही जिसमें हमने मुद्दे जाने और सबसे अहम चीज रही जितने भी कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, जितने भी मतदाता हैं और उनका जो प्रतिशत है वोट बैंक है उसको लेकर हमने चर्चा करी कि जितने प्रतिशत और जितने वोट बैंक हैं उनका कितना असर पड़ने वाला है 5वें चरण के चुनाव में। जहां जहां पे भी चुनाव है 5वें चरण का काफी अहम है क्योंकि इसमें चित्रकूट भी है, अयोध्या भी है, प्रयागराज भी है, रायबरेली की एक सीट भी है, अमेठी भी है और ऐसी अहम सीटें हैं ये जहां पे जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक भी हैं और कई परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं और अब मतदाता ये निर्णय करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को देख के इस बार चुनाव में अपना योगदान देते हैं। फिलहाल ये परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा जब मतगणना होगी। तब तक के लिए हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।